नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आज आपको राजस्थानी गोल साफा बांधना सिखाऊंगा। दोस्तों ये है पसरंगी लहरिया, इसको सबसे पहले यूँ पकड़ के थोड़ी कड़प उतार दें ताकि क्या साफा बांधने में थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद शुरू के दो आटे थोड़े लूज दीजिए सिर पे, यूँ देखो यूँ पकड़ के इसको एक और दो, उसके बाद इसी हिसाब से चार आटे थोड़े से टाइट दीजिए, एक दो तीन चार, बस। अब इस साफे को आप पट्टी बनाइए, इसको यूं यूं पकड़ के दोनों को मिला के आपस में, फिर ये इस तरह मिल जाएगा। वापस फोल्ड करो ताकि क्या है थोड़ी पट्टी बढ़िया बन जाए। इसको फोल्ड कर दिया, ये बन गई पट्टी। फिर आप इसको यहाँ से पकड़ो और इसको खींचो, खींच के ये पट्टी देखो आप, इस तरह की पट्टियाँ बनानी है आपको लगातार कंटिन्यू। इस साफे को आप ऐसे पकड़ो, वापस उसी तरह उसी क्रम में फोल्ड करो और पट्टी बनाते रहो, फिर खींच के यूं घुमाओ साफे को। ये बहुत ही आसान साफा है वैसे बांधने में, अगर एक बार समझ आ जाए तो। इसमें कोई बड़ी विधि नहीं है, नॉर्मल तरीका है इसका। इसको यूं पकड़ के खींच के यूं तिरछा ले जाने के बाद साफे को यूं घुमा दो आप, इसी तरह लास्ट की वो चार पांच पट्टियां कंटिन्यू आप इसी तरह देते रहो और साफे को धीरे धीरे घुमाते रहो। ये पचरंगा लहरिया है जिसे हम राजस्थानी गोल साफे के लुक में बांध रहे हैं। लास्ट पट्टी बची है, इसको आप इसी तरह पकड़ के बीच की शॉट हटा के बस इसको यूं घुमा दो, फिर आप पीछे से इसको यूं अंगूठा डाल के यूं ये गांठ लगाने के बाद क्या है सफा खुलेगा नहीं, निकाल के इसको इस तरह पहनिए। ये हो गया दोस्तों राजस्थानी गोल साफा तैयार। इसको थोड़ा सा पानी से भिगो लीजिए ताकि क्या है इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये है राजस्थानी गोल साफा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।